गया जी टीवी में आपका स्वागत है। चित्रंजन कुमार चिंटू भैया ने ऑफिस उद्घाटन की पूरी व्यवस्था कर रखे थे। LJPR के ऑफिस का उद्घाटन के लिए वे ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किए थे, लेकिन चिराग पासवान जी को वक्त नहीं मिलने के कारण वे ऑफिस उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था और बहुत ही ज़रूरी जाना था। उनके पास वक्त नहीं होने के कारण से ऑफिस का उद्घाटन रुक गया और इंतज़ार ही रह गया उद्घाटन का। तो उद्घाटन का इंतज़ार बेसब्री से कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि उनके पास वक्त नहीं बचा और ऑफिस का उद्घाटन नहीं हो सका। ये ऑफिस वजीरगंज में बना है, जिसका उद्घाटन उन्हें करना था। LJPR के युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया ने ऑफिस को उद्घाटन के लिए बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान जी के पास कल वक्त नहीं होने की वजह से उद्घाटन नहीं हो सका। कार्यकर्ताओं में बड़ी उमंग, उत्साह और गर्मजोशी थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण पहुंचे थे, क्योंकि उद्घाटन का क्षण का इंतजार था। लेकिन LJPR के सुप्रीमो सह जमुई के सांसद चिराग पासवान जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया सवारा गया था। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। LJPR के युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया ने ऑफिस को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा सवार दिए थे। बस सिर्फ उद्घाटन बाकी था, लेकिन LJPR के सुप्रीमो सह जमुई के युवा सांसद चिराग पासवान जी के पास वक्त नहीं होने की वजह से उद्घाटन रुक गया, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था और बेहद ही जरूरी जाना था। तो अब इंतजार ही रह गया उद्घाटन का। तो आइए उस उद्घाटन के क्षण को हम दिखाते हैं कि किस तरह से युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया सजाकर रखे थे, और वहां बड़ी संख्या में LJPR के कार्यकर्तागण पहुंचे थे। उन कार्यकर्ताओं में जोश था, उमंग था, तो वो उमंग और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उद्घाटन स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन सौभाग्य नहीं मिल सका। समय का पहिया ऐसा चला। युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज में पूरी तरह तैयारी कर रखे थे। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट में ये किस तरह से युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया ऑफिस को सजाए और सवारे थे। ऑफिस को चिराग पासवान जी का इंतजार है कि कब वे इस ऑफिस का उद्घाटन कर पाते हैं। युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया बड़ी सहजता और सक्रियता से ऑफिस को सजाए सवारे थे। बस इंतजार रह गया है कि कब फिर इस घड़ी को एक और नई तरीके से वक्त मिलेगा उद्घाटन का। युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया कहते हैं कि यह वक्त का चक्र है कि जब वक्त ना मिले तो उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए, और अगली कड़ी की इंतजार करता हूं कि उस अगली कड़ी में इस ऑफिस का उद्घाटन होगा और तब फिर वजीरगंज के तमाम कार्यकर्ताओं की खुशियां खिलकर उठेगा। ऑफिस को फूलों से सजा रखे थे और उस ऑफिस में चिराग पासवान जी का तस्वीर सजे थे। वहीं ठीक उनके बगल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी तस्वीर लगे थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए।
लेकिन वक्त का सब खेला है, वक्त का ऐसा पहिया घुमा कि वक्त नहीं मिल पाया उद्घाटन के लिए। और चिराग जी वजीरगंज तो आए, पर ऑफिस उद्घाटन के लिए उनके पास वक्त नहीं मिला। कार्यकर्ताओं में वही खुशी वही उमंग देखने को मिला, क्योंकि इंतजार अब भी है कि अब जब मौका मिलेगा तभी इस ऑफिस का उद्घाटन होगा। उस अगले क्षण का इंतजार कार्यकर्ताओं में है, उनके नेताओं में है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जरूर इस ऑफिस का उद्घाटन के लिए वक्त निकालेंगे, और फिर उस वक्त के आने पर कार्यकर्ताओं में खुशियां खिलखिलाकर खिल उठेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि वक्त के सामने किसी का नहीं चलता है, और ठीक वही नजारा देखने को मिला। वजीरगंज की धरती पर पधारे सांसद चिराग पासवान का गर्मजोशी से स्वागत कार्यकर्ताओं ने की, और पूरी गर्मजोशी से स्वागत किए, लेकिन मौका नहीं होने की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया, ये थोड़ा मलाल रह गया, लेकिन मलाल जल्द ही दूर होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगली तिथि को, अगली जब तिथि मिलेगा तब कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान झलक उठेगी, और मुस्कान खिल खिलाकर फिर फूलों की भांति वो खिलने लगेंगे। कार्यकर्ताओं में इतनी खुशियां देखने को मिली कि खुशियां दिल में समा न रही थी, लेकिन थोड़ा मलाल इसलिए हुआ क्योंकि चिराग पासवान जी के पास वक्त न होने के कारण से ऑफिस का उद्घाटन नहीं हो पाया। तमाम फूल से सजे थे ऑफिस, और कार्यकर्ताएं खिल खिलाकर खिल रहे थे, उमंग से उछल रहे थे। कार्यकर्ताओं में इतनी उमंग भरी थी कि देखते ही बनता था, उनके आंखों में सपने थे कि अब चिराग जी यहाँ आएंगे तो उस सपने को, उनके आंखों में सपने थे कि चिराग जी इस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आएंगे और वो सपने खिल खिला उठेगा, लेकिन वैसा संभव नहीं हो पाया। युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सह युवा सांसद चिराग पासवान जी के पास वक्त नहीं होने के वजह से ऑफिस का उद्घाटन का कार्यक्रम रुक गया, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था और बहुत जरूर ही जाना था, लेकिन तमाम कार्यक्रम ऑफिस के पास होता रहा और कार्यकर्ताओं में खुशियां उमड़ती रही। वे तमाम कार्यक्रम को पूरे उल्लास और उमंग के साथ, खुशियां इतनी कार्यकर्ताओं में थी कि दिल में वे समा नहीं रहा था, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण होने वाला था कि चिराग जी आने वाले थे और उद्घाटन अपने हाथों से करने वाले थे, लेकिन ही बनकर रह गया। लेकिन इस इंतजार की घड़ी को जल्द ही पूरा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई थी, लेकिन इंतजार रह गया चिराग पासवान जी का, क्योंकि वक्त साथ नहीं दे पाया, जिसके वजह से उद्घाटन के लिए चिराग पासवान जी ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए। तो आइए देखिए इस रिपोर्ट में। ऑफिस के नजदीक कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, उस भीड़ में सभी कार्यकर्ता बिल्कुल उल्लासित थे, हर्षोल्लास से झूम रहे थे, और उस ऐतिहासिक क्षण को वे अपने जीवन में समेट रहे थे। कार्यकर्ताओं में वही उमंग और जोश देखने को मिला। चिराग जी का काफिला वजीरगंज के पावन धरती से होते हुए निकल गया। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी हुजूम गर्मजोशी के साथ सांसद चिराग पासवान का
स्वागत किया, भव्य स्वागत किया और गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए आपको झलकियां दिखाते हैं कि किस तरह से उद्घाटन करने के लिए कार्यालय को सजाया गया था। वहां लोग पहुंचे थे, बिल्कुल उत्सव का माहौल था, लेकिन उस उत्सव का माहौल को समय का अभाव ने थोड़ा खटका दिया। दिल में हौसला और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। इसी उम्मीद के साथ युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया कहते हैं कि हौसला है कि अगली तिथि मिलेगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान जी इसके लिए बिल्कुल, वो भी वजीरगंज के कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान जी का इंतजार है कि उनके हाथों से ऑफिस का उद्घाटन हो। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि चिराग पासवान जी बिहार का चिराग हैं, तो चित्रंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा का चिराग हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वजीरगंज को चकाचक बनाने का सपना है और उस सपने को सजाने के लिए तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं। बस एक ब्रेक की तलाश है चित्रंजन कुमार चिंटू भैया को, यही कार्यकर्ताओं ने कहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें उम्मीद है उद्घाटन का भी वक्त आएगा। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं ने उम्मीद भरे स्वर में कहा कि वजीरगंज में अच्छे दिन आएंगे, यही हम लोग का भरोसा और विश्वास है। और इस भरोसे और विश्वास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सह युवा सांसद चिराग पासवान खड़े उतरेंगे। वजीरगंज विधानसभा के लोकप्रिय युवा नेता चित्रंजन कुमार चिंटू भैया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले तिथि में इस ऑफिस का उद्घाटन होगा। तो आप देखें इस रिपोर्ट को और किस तरह से तैयारी की गई थी उसे भी आप देखें। लेकिन समय का ऐसा पाबंदी है कि समय के सामने किसी का नहीं चलता है, और ठीक यही देखने को मिला जो आप देख रहे हैं। उद्घाटन होना था लेकिन चिराग पासवान जी को वक्त नहीं मिलने के वजह से ऑफिस का उद्घाटन रुक गया। अब अगली तिथि का इंतजार है। गया जी टीवी प्रस्तुति।